ये देखिए ना, यहाँ पे वैसे आता नहीं मुझे ये चीनना ना, पर माता है मेरी, मानती नहीं है। ये देखिए माता बैठी है, देखो कितने अच्छे से ये हमारे साथ हर एक काम में आगे रहते हैं ना। और ये देखिए, और यहाँ नीचे से लेके आना पड़ता है पत्थर, यहाँ नीचे नीचे गिरे हैं ना, जो यहाँ से लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पे सच में खड़ा नहीं हो जा रहा, देखो कितना ये ढांक जैसा यहाँ पे। और ये देखिए हरियाली कितनी अच्छी लग रही है ना, वहाँ पे कितनी हरियाली है, और गेहूँ अच्छा लग रहा है देखने को। और अब आप रुकिए, अब थोड़ी देर कर लेते हैं काम। ओके बाय। मुश्किल हो रहा है यहाँ खड़े हो पाना, बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये देखिए वह यहाँ जहाँ भाभी है ना, वहाँ से भी नीचे जैसे से पत्थर उठा के लाने पड़ रहे हैं। और देखिए, और यहाँ से घास देखो, ये घासनी जैसी, घासनी नहीं क्या बोलते इसको, उतराई जैसी है सारे ही। और ये डंगा ना हर कैसा ही चीना जा रहा है यार, ये नहीं चीना जा रहा है ढंग से, मेरे को आता भी नहीं है, पर ऐसे ही फिर कुछ ना कुछ तो करना है भाई, क्या करें। हेलो, अब बारे आ गए हम खेत में। यहाँ पे ना थोड़ा सा डंगा रह गया था, ये देखिए यहाँ पे हमने कल थोड़ा सा किया था, बट अभी बहुत है ये। और पत्थर यार वो नीचे से देखिए, यहाँ से लाने पड़ते हैं नीचे से, और यहाँ खड़ा नहीं हो जा रहा है। सच्ची बात तो ये है, अधूरे रह जाएगा ये, मेरे को नहीं लगता पूरा होगा। बट यहाँ से जो है वो हम ये पहले चीन लेते हैं थोड़ा सा जितना कि होता है। और फिर ये देखिए पीछे गेहूँ कितना अच्छा है ना। वैसे सभी आए हैं सारा परिवार उठ के यहाँ पे, हिमांशु और हर्षिता और वो है घर में, बाकी सब आए हैं। और आप ऐसे ही बने रहना, और मिलता हूँ अभी थोड़ी देर बाद में। ये देखिए यहाँ पीछे का व्यूज़ देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है ना, ये हरियाली हरियाली जैसी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना हरियाली, ये गेहूँ है। और ये है भावना देखो पीछे, पर ना काम करने को तकलीफ होती है इनको, बहुत बुरा मानते हैं ये कि काम क्यों करवा रहे हैं हमारे से, पत्थर क्यों ढुला रहे हैं नीचे से। अब ढुलाने तो पड़ेंगे और लगाऊंगा मैं, और चलिए फिर देखते हैं। और ये देखिए राजमा और ये उड़द की दाल जो है वो अभी धो रहे हैं, तो आप देखते जाइएगा कि क्या बनने जा रहा है। अभी ये अच्छे से धो लिए, वैसे पहले छांट लिए थे ना, फिर उसके बाद जो है इनको अच्छे से धो लेंगे, और फिर जो है इसको कुकर में डाल देंगे, और फिर देखिएगा क्या बन रहा है आज हमारे चूल्हे पे। ये देखिए अब जो है इनको डाल दिया है कुकर में, उर्द और राजमा कुकर में डाल दिया है, और ये देखिए अब पानी डाल दिया है इसमें, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, 2 लीटर कम से कम 2 लीटर। और फिर जो है इसको अच्छे से पकने देना है 3-4 सीटी लगने के बाद, और अब जो है इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। आप देखते रहिए क्या बन रहा है आज हमारे चूल्हे पे, और देसी चूल्हे पे, और देसी तरीके से जो है आज क्या बनाया जा रहा है। तो आप ऐसे ही बने रहिएगा सभी दोस्त। हाय दोस्तों, शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके साथ जो रेसिपी मैं शेयर करने जा रहा हूँ, वो अभी बताया आपको, राजमा और उड़द की दाल जो है वो अभी आपके सामने धोई और कुकर में डाली, ये देखिए अभी डाली है। तो जैसे आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं और मुझे हौसला दे रहे हैं ना कमेंट करके, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक ऐसा अपनापन जैसा महसूस होता है आप लोगों के साथ। अभी आपको भी मैंने कभी नहीं देखा है, बट ये एहसास है और आप लोगों का प्यार है, जो ऐसा लगता है कि कोई अपना ही मुझे कमेंट कर रहा है, या कोई अपना ही मुझे जो है हौसला दे रहा है, जैसे ये कोरोना के बारे में या ऐसे वैसे चला है ना। तो प्लीज़ आप लोग सभी अपना ध्यान रखना, और आप लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं सभी दोस्तों का। और आइए आज देखते हैं कि क्या रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अपने हिमाचली तरीके से और चूल्हे पे बना हुआ खाना। आप लोगों को पता है कितना टेस्टी होता है,
और मेरी माता तो आज चुपचाप है, आप लोगों के साथ बात भी नहीं की। माता है कर लो। अरे बेटा, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और हमारी माता जी हमारे साथ हैं, और बहुत मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो मेरा सच में ही दिल से साथ दे रहे हैं, और मुझे उनके साथ जो है अपनापन महसूस होता है कि हमारे अपने ही हैं सभी। तो आइए देखते हैं, और छोटे मोटे काम क्या कर रहे हैं हम घर पे, आजकल तो घर पे ही हैं तो सभी कामों से छुट्टी हो गई है, और शॉप से भी जो है हम बंद हो गए, शॉप भी बंद है, दूध भी बंद है। तो अब देखते हैं, ऊपर वाले की मर्जी है कब तक हम ऐसे रहेंगे। और आइए चलते हैं वीडियो में आगे। देखिए अब ये घी का तड़का लगा रहे हैं ये, और ये देखिए ये है राजमा, और वो उड़द की दाल जो मैंने बताई थी ना, ये देखिए ये उबाल आ गया है इसमें, ये उबल गई है। और ये देख, ये धो दिए हमने चावल, और ये देखिए ये प्याज, और ये है अदरक, और सूखा धनिया, और ये है हल्दी। तो अभी जो है हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी, पहाड़ी खिचड़ी। खिचड़ी मेरी फेवरेट है, और ये राजमा और उड़द की दाल की जो खिचड़ी होती है ना वो बहुत ही टेस्टी होती है। और आज देखिए कैसे बना रहे हैं हम ये खिचड़ी। धनिया और जो लाल मिर्च है ना, इसके दरड़ा बनाना है, अच्छे से कूट लेना है इसको, और फिर जो है इसको तड़के के लिए यूज़ करना है। और ये देखिए अब जो है ये तड़के में डाल दिया है सब कुछ, प्याज और वो दरड़ा जैसा, और चूल्हे पे ऐसे भी ना बहुत टेस्टी बनता है खाना, जो भी खाना हो ना सच में चूल्हे पे बहुत टेस्टी बनता है। और ये खिचड़ी तो ऐसे भी मेरी फेवरेट है। और ये देखिए तड़का जो है हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें जो है हल्दी ऐड कर रहे हैं, हल्दी भी आप स्वाद अनुसार लेना। और ये देखिए अब जो इसमें चावल जो है ये डाल देंगे, और अब चावलों को ना अच्छे से इसको घुमा लेना है इसमें, और तड़के के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ऐसे मतलब काफ़ी देर जो है ऐसे ही घुमाते रहना है, ताकि जिसे राड़ कहते हैं ना वो राड़ लगा लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है। और थोड़ा सा तड़का जो है जल गया था और खांसी आने लगी थी, तो आप लोग माफ़ करना। अब अदरक जो है इसमें ये डाल लेना अदरक, और इसको थोड़ी देर जो है ऐसे ही घुमाते रहना है, और फिर हमारे को जो है ये जो उड़द की दाल और ये राजमा है ये इसमें ऐड कर लेने हैं, और फिर दोबारा से एक सीटी और देनी है। और ये देखिए अब जो है राड़ लग गया इसमें, और ये अब जो है इसमें डाल देने हैं माँ और ये राजमा, माँ बोलते हैं उड़द को। अब इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर आपने चावलों अनुसार जो है वो पानी डाल देना है। और जितना आपको चाहिए होता है ना उतना पानी डाल लेना है, और फिर जो है इसको उबाल देना है अच्छे से, एक सीटी या डेढ़ सीटी जो है वो लगा के इसको छोड़ दें, और आंच जो है वो बराबर रखें। और अब इसमें जो है नमक डाल रहे हैं, और नमक भी देख लेना आप स्वाद अनुसार। अब फिर दोबारा से जो है इसको घोटा दे रहा है घोटा,
और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें ढक्कन जो है लगा दे और फिर थोड़ी देर पकने दे अच्छे से, और फिर हम करते हैं बात। ये बनी हमारी खिचड़ी, और ये बनी हमारी राजमा और उर्द की खिचड़ी। दीदी भाभी बोला।